शरण गुरु की ले ले भाई, वक्त मिला तुझे चोखा है। नर्तन पाई भक्ति करण को लग्या खास ये मौका है। समय बीत जा रह पछतावा, फिर मुड़ पाणायो खा है। दास कंवर पकड़ चरण गुरु के, किसने तुझको रोक्या है। चाल अनीटा कह आंगन टेढ़ा, क्यों दास और सिर धरता है। कुदरत का ये नियम अटल, भाई जो करता सोए बरता है। कोई मत खो तो खाई और को, जो खोते सोए गिरता है। दास कंवर गौ शरण गुरु की, क्यों उजड़ फिरता है। हम दर्श भिखारी आए, सतगुरु थारे दरबार में। हम दर्श भिखारी आए, दाता थारे दरबार में। हम दर्श भिखारी आए, हम फंसे काल के जाड़ा, तुम बंधन काटन आड़ा। हम फंसे काल के जाड़ा, तुम बंधन काटन आड़ा। मेरे कर्म देओ सब जाड़ा, मेरे कर्म देओ सब जाड़ा। जो मुक्ति संसार से, हम दर्श भिखारी आए। सतगुरु थारे दरबार में, हम दर्श भिखारी आए। दाता थारे दरबार में, हम दर्श भिखारी आए। ये कुल कुटम परिवार देखा जाड़ पिछोड़ के सारा। ये कुल कुटम परिवार देखा जाड़ पिछोड़ के सारा। पकड़ा तेरा एक सहारा, पकड़ा तेरा एक सहारा। लागी है नजर दीदार से, हम दर्श भिखारी आए। सतगुरु थारे दरबार में, हम दर्श भिखारी आए। ता थारे दरबार में, हम दर्श भिखारी आए। तुम दया निधि उपकारी, जीवों की करते समारी। तुम दया निधि उपकारी, जीवों की करते समारी। डूबतों को कर दिया पारी, डूबतों को कर दिया पारी। पकड़ बीच मजदार से, हम दर्श भिखारी आए। सतगुरु
थारे दरबार में हम घर से भिखारी आए। दाता थारे दरबार में हम घर से भिखारी आए। मेरी पूर्ण करोगे आशा लाया मैं दृढ़ विश्वास। मेरी पूर्ण करोगे आशा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जीओ, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग के लिए हाजिर हुए हो, समय का सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। साल में यहाँ एक सत्संग आपको मिलता है, आसपास में होते रहते हैं, लेकिन यहाँ इस शाखा में हमारा प्रयास होता है कि एक सत्संग तो मिलना ही चाहिए। समय भी लगभग यही रहता है, काफ़ी दिन इंतज़ार की कि मौसम अच्छा हो जाए, लेकिन मालिक की मर्जी, काफ़ी लंबी गर्मी चली इस बार, इस कारण से 2-3 महीने बीच में सत्संग के कार्यक्रम नहीं हो पाए। उसकी कमी को देखते हुए अब मैंने फैसला किया कि अब सत्संग 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में ज़रूर हो जाना चाहिए, ताकि जितनी भी सत्संग शाखाएं हैं, जो सत्संगी नहीं पहुंच पाते उनको सत्संग का लाभ मिले, वो नहीं पहुंच पाते तो मैं खुद ही वहाँ पहुँच के सत्संगियों के लाभार्थ उनकी शाखाओं में सत्संग का कार्यक्रम रख देता हूँ। तो साल में एक बार ये अवसर मिलता है। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है, कोई मजबूरी से जा नहीं पाता। मजबूरियां कई किस्म की हैं, घर गृहस्थी में इतने काम हैं कि घर को छोड़ के नहीं जा सकते, कभी बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते, कहीं जमींदार आदमी हैं, पशुओं की रखवाली करने वाला नहीं तो कोई खेती का काम ऐसा निकलाता है। ये बात भी कोई बात नहीं, इनकी भरपाई की जा सकती है न किसी तरह से, लेकिन कई बार दुख भरी बात सुननी पड़ती है, उससे बहुत दुख होता है। काफ़ी लड़कियां कहती हैं कि घर वाला शराब पीता है, मैं सत्संग में नहीं जा पाती। हमें जाने नहीं देता, अच्छे काम करने के लिए वो रोकते, खुद तो बुराई में पड़े हुए हैं, लेकिन एक इंसान किसी अच्छे रास्ते पे जाता है, उसको रोकता है, वो और ज़्यादा पाप इकट्ठा करता है। सत्संग में किसी अच्छे काम के लिए, महापुरुषों के दर्शन के लिए अगर कोई जाना चाहता है और उसमें कोई बाधा बनता है या किसी प्रकार की रुकावट डालता है, उस आदमी के लिए अच्छी बात नहीं होती, उसको बहुत पाप लगता है। प्रयास तो हमारा ये होना चाहिए कि ऐसे आदमियों के लिए कि उनको रास्ता दिखा के, वो अज्ञानवश ऐसा करते हैं। इंसान बुरा नहीं होता है कोई भी, बुराई तो वो जो अपना लेता है वो बुराई बुरी होती है। चोर बुरा नहीं है, चोरी करने की आदत बुरी है। शराबी बुरा नहीं है, लेकिन शराब पीने की आदत बुरी है। शराब पीने के कारण उसको शराबी कहते हैं, चोरी करने के कारण उसको चोरी कहते हैं, जुआ खेलने के कारण उसको जुआरी कहते हैं। प्रभु की भक्ति करने वाले को भगत, संत, महात्मा, फकीर कहते हैं।
तो जो एक अच्छे काम के लिए जाता है, जो इंसान का जीवन ही नहीं सुधारता बल्कि उसको इस संसार के भवबंधन से, जन्म मरण के चक्कर से स्वतंत्र करा के सदा के लिए इस जीव की छुट्टी कराता है कि फिर वो जीव इस संसार में ना आए। संत सतगुरु संसार में जीवों के कल्याणार्थ आते हैं, वो खुद तकलीफ उठा के अपने बिना परवाह किए किसी भी तरह से संसार के जीवों को सुख देते हैं जब तक उनका जीवन होता है। और इस जीवन के बाद जब यहाँ से वो जीव प्रस्थान करता है तो उसका ऐसा इंतजाम करते हैं कि फिर वो इस दुख भरी दुनिया में आते ही नहीं है, वो जीव अमर हो जाता है। कभी बात पहले सुनते आए थे, गौर नहीं करते थे, विचार करने का समय नहीं या फिर चिंतन करने की हमारी बुद्धि भी नहीं थी। अब ख्यालात आता है, एक एक बात पर जब गौर करते हैं तो उनकी सच्चाई का पता लगता है। कहते थे कि वो ऐसे थे कि अमर हो गए, गोपीचंद भर्तृहरि के बारे में कहते हैं कि वो अमर हो गए, हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि अब भी वो अमर हैं। मैं कहता हूँ जो संतों की शरण में जीव चले जाते हैं वो सभी अमर हो जाते हैं। अमर होता कौन है? मरने वाला तो मरता है, जो मरता नहीं वो अमर हो जाता है। तो जो जन्मेगा नहीं वो मरेगा कहाँ से? इसलिए संतों के पास वो दवाई है जो जीव को देने के बाद में वो दोबारा जन्म नहीं लेता। तो अमर हुआ कि नहीं हुआ, शरीर की अमरत्व की बात नहीं है, इस जीव की जो गले की फांस बनी हुई है उसको संतों का नाम काट देता है, उस फांस से मुक्त करवा देता है, फिर वो संसार में नहीं आते। लेकिन जीव संतों की शरण में जाके अगर संत सतगुरु का कहा नहीं मानता है, संतों के वचन की ताकत को, मौज को, शक्ति को नहीं जानता, ना उसको पढ़े लिखे जान सकते हैं, ना उनको कोई दार्शनिक विद्वान जान सकते हैं, भगत जान सकते हैं, जो एकांत में बैठ के चिंतन किया करते हैं प्रभु का, अपने गुरु में जो दी हुई ज्ञान की शक्ति से लो लगाता है, ध्यान लगाता है, अंदर में प्रवेश करता है, दुनियादारी की चिंताओं से मुक्त होके अगर कुछ समय के लिए एकांत में जब दृष्टि ज्योत में जमा के और गुरु के दिए हुए नाम में सुमरण करता हुआ वो अंतर में एकाग्रचित होता है, तब उसको पता लगता है। संतों की कमाई की हुई होती है, उनका एक एक लफ्ज मुख से निकला हुआ मैं कहता हूँ कल्याणकारी, हितकारी और लाभकारी है, लेकिन संसारी जीव उसको नहीं समझ सकते। वो जीवों के कर्म काटने के लिए आते हैं, ऐतिहासिक बात बहुत सुनते आए कि उसके कर्म काट दिए, गीत गाते हैं हम भी कि उनके कर्म काट दिए, अजामिल के कर्म काट दिए आपने, धन्ना भगत का ऐसा काम कर दिया, सैन भगत की जगह आप नाई बन के चले गए, नरसी जी की जगह आप ने जाके भात भर दिया, भीलनी गरीबनी कुरूप के पास आपने जाके दर्शन दे दिए। सहज बात है लेकिन उन बातों को समझते तो नहीं। गुरु कर्म काटता है। मैं बताऊं सच्ची घटना कितनी होती है। एक लड़की थी, कर्म काटने का तरीका बताता हूं लेकिन कर्म नहीं कटवाना चाहता जीव के, जिसके सिर पर कर्जा है वो काम करेगा, लेकिन अगर संत की शरण में जाके संत के वचन को जो मान लेगा उसका कर्म कट जाएगा। ये मैं बताता हूँ अभी हाल की घटना, थोड़े कुछ 10-20 साल की बात है। एक लड़की जयपुर से आया करती, उसका पूरा परिवार सत्संगी। वो कहने लगी कि महाराज जी लड़की के लिए कोई लड़का बताओ, योग्य वर बताओ जिससे इसकी शादी कर दी जाए। मैं कहने लगे भाई आशीर्वाद है, लड़का तुम ढूंढो अच्छा मिल जाएगा। कुछ दिन के बाद में उन्होंने जयपुर से जाके फोन किया कि लड़की तो कहती है मैंने लड़का देख रखा, मैंने शादी उससे करनी है। मैं कहने लगे लड़का कौन है? बोला लड़का तो दूर का है कहीं का। मैं कहने लगे उससे तुम्हारे आचार विचार मिलते हैं, घर परिवार को आप जानते हो,
नहीं जानते। आपने लड़का देखा है? बोले हमने नहीं देखा। लड़की कहती है बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो जहां का रहने वाला था। मैंने कह दिया हाँ ऐसा लड़का है तो वो तो मांस भी खाता होगा। बोले कि हाँ खाता है, लेकिन वो लड़की का जवाब था कि कहता है शादी होने के बाद मैं छोड़ दूंगा। तो देखो गौर करने की जो बात यह है, वो बात तो ये थी कि उस लड़की का और लड़के का कर्म था ये पिछले जन्म का संस्कार, रोक नहीं सकता उसको कोई। शादी तो उनकी होनी थी क्योंकि कर्म का कर्जा था दोनों के सिर, इसीलिए तो वो कहाँ का वो कहाँ की मेल मिला। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे से उसने कहा कर्म काटने की जहां बात आई, मैंने इनकार कर दिया कि ये शादी मुझे ठीक नहीं लगती। उसके माँ बाप ने बहुत समझाया, वो नहीं समझी तो मेरे से ही कहने लगे जी मानती नहीं है, आप कहो कुछ, आप बताओ। तो मैं उनकी मंशा समझ गया कि वो मेरे से ये कहलवाना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो करो शादी। लेकिन मैंने उनको क्या कह दिया कि मेरा जवाब तो उसके बारे में नहीं में है, नहीं में। अंग्रेजी में मैंने कहा कि कैपिटल लेटर्स में मेरा जवाब नो है, तुम्हारी मर्जी करो या ना करो। नला नहीं मानती, नहीं मानती, ये जाने और आप जानो क्या करना है। उन्होंने वो शादी कर ली और उससे छोटी लड़की उसी की बहन कहती है मैं शादी करूंगी जहां महाराज जी कहेंगे। मैं कहने लगा कि मैं तो किसी जमींदार आदमी से कर दूंगा। कहने लगी चाहे मेरी लड़की मेरी शादी आप किसी मोची से कर देना, मुझे कोई वो नहीं, इतराज नहीं। तो बड़ी ने शादी कर ली। शादी करने के बाद लड़का बाहर चला गया, दूसरे देश में, अमेरिका चला गया। दो तीन साल तक उसकी कोई खोज खबर ही नहीं लगी कि भाई वो लड़की वो आएगा यहाँ, लड़की वहां जाएगी। पेपर वगैरह बनाए, लड़की को बुलाने का कोशिश किया, एक दो बार इनकार हो गया। जब तक छोटी लड़की की शादी होगी, शादी होने के बाद वो बाहर चली भी गई। जाने के बाद उसको दो बच्चे भी हो गए छोटी को, और बड़ी अब घर में रहती है तो माँ बाप से पूछते हैं इसकी शादी हुई थी, लड़की जाती क्यों नहीं ससुराल में। तो वो क्या करती है, मेरे पास आके रोने लगी कि जी मेरे से भूल होगी, गलती होगी, मैं अब क्या करूँ। वहाँ मेरे से सवाल करते हैं, मैं आश्रम में रह जाऊँ, मैं चलो रह ले। आश्रम में रही कुछ दिन के लिए, वो क्या करती है? दो चार महीने यहाँ रुक जाती, 10-15 दिन वो जयपुर जाके फिर आ जाती, ताकि और लोगों को ये हो जाए कि ससुराल होके आई है। चलो उसका फिर वहाँ जाने का हो गया, बाहर चली गई। अब बाहर चली गई वो तो कर्म था उनका। वहाँ जाने के बाद अब भी एक हफ्ता पहले मेरे पास फोन आया, उनका बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद पुलिस बुला ली, पुलिस ने दोनों को अलग कर दिया। लड़के के ऊपर ये लगा दिया कि तू 200 गज के एरिया में जहाँ ये रहती है आ भी नहीं सकता। चलो फिर भी मेरे मन में थोड़ी ये आई कि लड़के का जो भी है कसूर किसी का भी हो, लेकिन गलत हुआ। मैंने उसको कहा, समझाया कि तूने एक तो गलत काम किया कि बिना मर्जी के, हमारी मर्जी नहीं थी कि तू ये काम करती, लेकिन मर्जी से कर भी लिया तो अब उससे भी बुरा कर रही है। दोबारा से उसको कहा, समझ में उसको आई, पुलिस में बयान दे दवा के, और उसको लड़के को फिर इजाज़त मिल गई, वो फिर इकट्ठे रहने लगे। लेकिन इकट्ठा क्या रहना, जिसके मन नहीं मिलते हैं, और मन भी किसके कहने से मिलेंगे, उनका तो वो तो कर्म का कर्जा था, चुकाना ही चुकाना था, वो ऐसा होना था, ये भी नहीं है। उसको रोक नहीं सकता था कोई भी, लेकिन रुक सकता था अगर वो वचन मानते तो। ये वचन होता है, हुक्म होता है, तो ये मौज हुक्म वचन और आदेश उपदेश ये है। जो जीव समझ जाता है उसके कर्म कट जाते। मैं कर्म काटना चाहता था उसी दिन, उन दोनों के कर्म अगर वो मेरा वचन मान लेते तो उनके कर्म जो आज बनती है उनके साथ में कट गए थे उसी दिन से। क्योंकि जो शादी होनी थी वो होनी नहीं थी, वो नहीं होनी थी, ये बुरी हालत नहीं होनी थी। अब भी मेरे पास फोन आया कि जी मेरे साथ ये करती है, वो करती है, वो कहती है नहीं ये मेरे साथ कैसा करता है। मैं कहने लगा कि अब तुम्हारी कैसे निभेगी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम प्यार प्रेम से रह के जैसा भी है ये तुम्हारा अपना कर्म है। बोला नहीं आप इसको
समझाओ, वो कहती है उसको समझाओ। मैं कहने लगा, मैं तो जिस दिन समझाना चाहता था तुम समझे नहीं, मैं तो तुम्हारा कर्म का कर्जा मेरे ऊपर लेके तुम्हारा कर्म काटना चाहता था, लेकिन तुम अपने मन के बस में थे, अपनी बुद्धि और अपने स्वाद के बस में थे, मुझे कोई लेना देना नहीं था तुम्हारी बात से, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा वो कर्म मेरे ऊपर लेके अगर मेरी बात मानते तो समझो काट दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हारा कर्म का कर्जा है, तुम चुकाओ, चुकाना पड़ेगा तुम्हें। ये वचन की ताकत होती है। अब वचन मानते नहीं, संत सतगुरु की बात को आप समझते हो कि गुरु ने क्या ऐसे ही कह दिया होगा। गुरु मौज बख्शता है, जिस जीव को जिस काम के लिए कहता है, अगर वो बुरा काम तो कहता है तो गलत बात है, जिससे तुम्हारा नुकसान होता है उस वचन को ना मानो। लेकिन अगर वो कहता है कि तुम ये काम करो, किसी से कोई सेवा करवाना चाहते हैं, किसी को किसी भी रूप में वो कोई काम, कोई आज्ञा, कोई उपदेश करते हैं, तो समझो कि उसको अपना भाग सराहना चाहिए कि मेरे लिए ये अवसर जो मिला है, इस अवसर को पाके मैं अपने कर्म को काट सकता हूँ। गुरु ने मुझे मौज बख्शी है, इस मौज में क्या पता हमें कौन सा फायदा पहुँचाने का उन्होंने प्रयास किया है। ये जीव अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान से और अपनी चतुराई के कारण उस आए हुए अवसर को खो देता है।